नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी से 6 जून को हाजिरी लगानी होगी ईडी में पटेल को। पहली बार मोदी की सरकार 2014 में बैठी और राष्ट्रवादी के छगन भुजबल को जाना पड़ा जेल। ठीक उसी तरह नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और ईडी ने जारी किया नोटिस। पटेल हो हाजिर। कांग्रेस की सरकार में उड्डयन मंत्रालय का कामकाज देख रहे थे। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन में लगभग 111 विमानों का 70,000 करोड़ का मामला है पटेल पर। UPA सरकार में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, ऐसी जानकारी ईडी ने कोर्ट को बताया, जिसके चलते ईडी ने तत्कालीन उड्डयन मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को पूरे मामले की जाँच के लिए ईडी मुख्यालय में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया है। 6 जून को ईडी ने इस पूरे मामले में लॉबिस्ट दीपक तलवार को गिरफ्तार किया है। फिलहाल दीपक तलवार जेल में है। इसके अलावा गैर कानूनी साबकारी प्रतिबंध नियम की तरह दीपक तलवार पर मामला दर्ज किया गया है। ईडी के जांच अधिकारियों ने पुख्ता सबूतों के आधार पर दीपक तलवार और प्रफुल्ल पटेल की नजदीकी संबंधों का भी जांच किया है। प्रफुल्ल पटेल का उड्डयन मंत्रालय संभालते समय दीपक तलवार 2008-2009 में इंटरनेशनल विमान कंपनियों को कई हवाई मार्ग पटेल के माध्यम से दिलाया, जिसके चलते 272 करोड़ का फायदा दीपक तलवार को और प्रफुल्ल पटेल को, ऐसा ईडी के जांच अधिकारियों ने बताया है। जिसके चलते बाहर देशों की हवाई प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को भी फायदा पटेल ने किया है। पटेल ने कहा है कि मुझे ईडी का नोटिस मिला है और 6 तारीख को मैं ईडी मुख्यालय दिल्ली में अपना बयान दर्ज कराने जाऊंगा। सारी जांच को मैं सहकारी करूंगा, जिसके चलते देश में हवाई उद्योगों को इन्वेस्टमेंट कराने के लिए जो स्थिति है वह ईडी को समझाकर बताने का कार्य मैं करूंगा। क्या ईडी अब इस मोदी सरकार में पटेल को जेल में डालेगी? क्योंकि इसके पहले ही महाराष्ट्र सदन घोटाले में आरोपी पाए गए राष्ट्रवादी के छगन भुजबल को भी हवालात की हवा खानी पड़ी थी। पटेल पर क्या अब गाज गिरेगी? देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। धन्यवाद।